हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर और कितना पूरा टोटल खर्चा पड़ जाता है ये भी हम कैलकुलेट करेंगे, और प्रोसेस क्या है NSMU का ज्वाइन करने का ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो गाइज, अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो आपकी ट्यूशन फीस यहाँ पे है $6,200 पर ईयर, ठीक है। इसे INR में कन्वर्ट करें तो मैं 83 के रेट पे कर रही हूँ, तो वो हो जाएगा 5,14,000 INR, ठीक है। यहाँ पे मैंने 83 का रेट लिया है डॉलर टू INR का, लेकिन आप जो भी करंट रेट है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अब अगर बात करें हॉस्टल की, तो हॉस्टल फीस आपकी ऑलरेडी इंक्लूडेड है ट्यूशन फीस में ही, जो कि था $6,200, ठीक है। उसी में आपके सारे हॉस्टल फीस इंक्लूडेड है, लेकिन अगर आप प्रीमियम हॉस्टल लेते हो जैसे कि मैंने लिया है, तो उसके लिए आपको 8,000 to 10,000 रूबल पर मंथ तक चार्जेस लगेंगे, जो कि बढ़ भी सकते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस की। तो मेडिकल इंश्योरेंस आपको 11,500 रूबल पड़ता है पर ईयर, और वहीं अगर हम उसे INR में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा 10,400 INR पर ईयर। अब अगर बात करें मेडिकल चेकअप की, तो मेडिकल चेकअप आपको पड़ता है 5,000 रूबल पर ईयर, और वहीं अगर हम उसे INR में कन्वर्ट करें तो वो आपका 4,500 INR हो जाता है। अब बात करते हैं वीजा एक्सटेंशन की। तो वीजा एक्सटेंशन आपको 1,600 रूबल पर ईयर लगता है, लेकिन वहीं अगर हम उसे INR में कन्वर्ट करें तो 1,400 INR आपको कॉस्ट करता है। तो गाइस, यहाँ पे मेडिकल चेकअप, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, ये सारी चीजों के कॉस्टिंग आप स्किप कर सकते हो फॉर 5 years, बट ये सिर्फ मैं उन्हीं को बताऊंगी जो मेरे एंड मेरे टीम के थ्रू एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं। ये सबको मैं नहीं बताने वाली, बिकॉज ये तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी उनके साथ जो मेरे एंड मेरे टीम के थ्रू एडमिशन लिए हैं। तो चलो अब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपका ट्यूशन फीस, जो कि था 5,14,000 INR, इंटू 6 अगर हम इसमें कर दे तो ये हो जाएगा 30,87,000 INR, ठीक है, इंक्लूडिंग हॉस्टल। फिर अगर मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें तो वो था आपका 10,400 INR। ये हमें सारी कैलकुलेशन INR में ही कर रही हूँ, ठीक है। तो मेडिकल इंश्योरेंस हो गया आपका 10,400, फिर मेडिकल चेकअप आपका हो जाएगा 4,500 INR, फिर वीजा एक्सटेंशन हो गया आपका 1,400 INR, फिर इसका टोटल हो गया 16,300 INR, ठीक है। अब इंटू अगर 6 करें तो इसमें हो जाएगा 97,800 INR। तो टोटल देखा जाए तो ये हो जाएगा 30,87,000 प्लस 97,800, जो कि आ जाएगा 31,84,800, ठीक है। और ये टोटल में आपका ट्यूशन फीस फॉर 6 years, वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप, मेडिकल इंश्योरेंस, हॉस्टल फीस, ये सारी चीजें हैं फॉर 6 years, ओके। अब बात करते हैं फूड की। तो फूड आपको यहाँ पे मेस फैसिलिटी मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फूड कॉस्टिंग आपको पड़ जाएगी 4,500 रूबल से 5,000 रूबल पर मंथ, ठीक है, जिससे अगर हम INR में कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा अराउंड 4,000 to 4,500 INR पर मंथ, ठीक है। एंड गाइज, ये सिर्फ एक टाइम का खाना है, मतलब सिर्फ आपको डिनर मिलने वाला है, ब्रेकफास्ट लंच वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपकी क्लास लगेगी मॉर्निंग लंच टाइम तक, तो मे बी आप या तो यूनिवर्सिटी में रहोगे या तो कहीं बाहर ही रहोगे, ठीक है। तो आप जैसे मेरे लिए तो कभी कभी ये जो वन टाइम का खाना जो रहता है, इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा रहती है, मेरे लिए ये 2 times चल जाता है, और मैं 2 times ही खाना खाती हूँ यहाँ पे, तो इसलिए मेरे लिए ठीक है। लेकिन अगर आपके लिए नहीं हो पाता है तो आपके पास ऑप्शंस हैं ऑलरेडी बहुत सारे, क्योंकि आप बाहर ही रहोगे, आप रूम में वैसे भी नहीं रहने वाले उस टाइम पे। तो अगर अब हम एक साल का फूड कॉस्ट देखें तो हम ले लेते 4,000 ले लेते, ठीक है, क्योंकि अभी 4,000 नहीं चल रहा INR में, तो 4,000 into 10, अब वो हो जाएगा 40,000। और हम 10 months क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 महीना जो होता है साल का वो तो आपकी छुट्टी होती है, उसमें आप घर जाओगे या जो भी, तो इसलिए हम 10 months से कैलकुलेट करें, तो वो आ गया आपका 40,000, एंड 40,000 into 6 हमने किया तो वो हो गया 2,40,000 INR। सो गाइस, अब बात करते हैं फ्लाइट कॉस्ट की। तो फ्लाइट कॉस्ट आपको 45,000 से 50,000 INR पर ईयर पड़ जाता है फॉर राउंड ट्रिप। अब राउंड ट्रिप होता क्या है कि आप रशिया से इंडिया आपका जाना और इंडिया से वापस रशिया आना, ये होता है पूरा राउंड ट्रिप, जो कि आपको 45,000 से 50,000 INR पर ईयर पड़ जाता है, ठीक है। और जब आप फर्स्ट टाइम एडमिशन लेके रशिया आते हो ना, तो फ्लाइट कॉस्ट कंपेरेटिवली ज्यादा होता है, बिकॉज ये एकदम सडनली आपका फ्लाइट किया जाता है, जैसे ही आपका वीजा और इनविटेशन लेटर ये सारी चीजें हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपका सडनली फ्लाइट होता है, तो इसलिए उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर टाइम, जब आपको ऑलरेडी आपका शेड्यूल मिल जाता है कि सेशन कब खत्म होगा आपका। जैसे आप फर्स्ट ईयर में आओगे, आपका ये पूरा सेशन खत्म होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मई या जून में जब भी आपका सेशन खत्म हो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पहले से ही फ्लाइट बुक कर सकते हो। तो उसके
अकॉर्डिंग आपकी जो फ्लाइट की कॉस्टिंग आएगी वो कंपेरेटिवली कम हो जाती है। तो अगर पूरे 6 साल के फ्लाइट कॉस्टिंग निकालें तो वो हो जाएगा 2,70,000 INR। ठीक है, अब अगर पूरा ग्रैंड टोटल लेंगे एनएसएम का, जिसमें आपका ट्यूशन फीस, मेडिकल चेकअप, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, फूड, फ्लाइट, सारी चीजों को अगर हम मिला दें, हॉस्टल वगैरह सारी चीजें फॉर 6 ईयर्स, तो ये हो जाएगा 31,84,800 प्लस 2,40,000 प्लस 2,70,000, जो कि हो जाएगा 36,94,800 INR। तो गाइज ये था पूरा ग्रैंड टोटल एनएसएमयू का। बट गाइज आप इस कॉस्ट को कम भी कर सकते हो अगर आप खाना खुद से बनाते हो, और अगर आप हर साल फ्लाइट लेके इंडिया नहीं जाते हो तो भी फ्लाइट की चार्जेस वगैरह हटा के थोड़े कॉस्ट कम हो जाएंगे। तो गाइज अब बात करते हैं कि एडमिशन लेना कैसे है। तो एडमिशन लेने के लिए आप मेरी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हो थ्रू मेल। ठीक है, अब जैसे ही आप मेल करते हो मेरी टीम को, तो आपको एक टेक्स्ट आएगा जिसमें आपको बोला जाएगा प्रोवाइड योर डॉक्यूमेंट्स ऑफ 10th एंड 12th मार्कशीट, आधार कार्ड एंड नीट स्कोर। ठीक है, अगर आपके पास आपका 12th का मार्कशीट एंड नीट स्कोर नहीं है तो आप अपने 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड सेंड कर सकते हो। फिर जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट्स भेज देते हो, मेरी टीम आपको दो ऑप्शन देती है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप 10,000 का रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है, और फिर उसके बाद आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टेक्ट में आ जाते हो, जिसमें मैं आपको सारे स्टेप्स, सारे प्रोसीजर का फुल डिटेल बताऊंगी। अब सेकेंड ऑप्शन आता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स तो दे दिए लेकिन पहले आपको बात करनी है, तो इस केस में मेरी टीम जो है वो आपका नंबर वगैरह ले लेगी, ठीक है, और वो आपको फिर कॉल या मैसेज करेंगे, ठीक है, एंड फिर आप उनसे बात करके सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो। एंड जैसे ही आप फाइनल कर लेते हो, फिर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 10,000 का, और फिर मैं डायरेक्टली आपके कॉन्टेक्ट में आ जाऊंगी। तो गाइस ये थे दो मेन ऑप्शन। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपको डायरेक्टली मुझसे ही बात करनी है, तो गाइस आप प्लीज रजिस्ट्रेशन करा लेना, क्योंकि मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है कि मैं हर स्टूडेंट से बात करूं। क्योंकि होता क्या है कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट तो दे देते हैं, फिर उन्हें पहले खुद बात करनी होती है, फिर वो अपने पेरेंट्स से भी बात कराते हैं, फिर अपने रिमेनिंग फैमिली वालों से भी बात कराते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एट दी एंड उनको एडमिशन लेना नहीं होता है, और ना ही वो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ भाई कुछ अपडेट है, लेना है नहीं लेना, कुछ नहीं बताते। और ऐसे में क्या है, मेरा टाइम पूरा वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं सिर्फ उन्हीं से बात करूंगी जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा और जो कन्फर्म है कि उन्हें एनएसएमयू में सीट चाहिए ही चाहिए। तो गाइस अब बात करते हैं कि अब रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, आपको आपका एडमिशन लेटर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही आपको आपका एडमिशन लेटर मिल गया, फिर आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है, ठीक है। और ये जो एडमिशन लेटर है ये आपको नीट से पहले ही मिल जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको नीट के बाद मिलता है। अब इसी कॉन्ट्रैक्ट लेटर के बेसिस पे आपको इन्विटेशन लेटर आपका बनाया जाता है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब ये जब इन्विटेशन लेटर आपका बन जाएगा, इसी के बेसिस पे आपका वीजा बनवाया जाएगा, एंड जैसे ही आपका वीजा बन जाएगा तो स्टूडेंट्स को बैच वाइज डिवाइड करके फिर रशिया बुलाया जाता है। अब जैसे ही आप रशिया में आ जाते हो, तो आपके रशिया में जितने भी प्रोसेसेस है वो सारे कराए जाते हैं। फुल प्रोसेस जानने के लिए आप मेरी टीम से कनेक्ट हो सकते हो, मेरी टीम आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कर देगी इन इंडिया, इन रशिया, ठीक है। एंड आपको हमेशा ग्रुप में ही लाया जाएगा रशिया में, तो आप किसी भी चीज का टेंशन मत लेना कि आप कैसे आओगे, नई कंट्री है, नई चीजें, कैसे आओगे, तो इस चीज का टेंशन मत लेना, आप हमेशा ग्रुप में ही लाए जाओगे, अकेले नहीं आना है आपको, ठीक है। और गाइस जो भी मेरे एंड मेरी टीम के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं इस साल, उनको एक्सक्लूसिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। एंड एक्सक्लूसिव सर्विस में जो मेन चीज आती है वो है हेल्प इन लाइसेंसिंग एग्जाम, वेविंग ऑफ मेडिकल फीस, मेडिकल चेकअप, मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, वीजा एक्सटेंशन, ये सारे कॉस्टिंग्स, ठीक है, हेल्पिंग इन पीजी इन अब्रॉड, जो कि आपके लिए हो सकता है फाइलिंग फॉर ECFMG, ठीक है, यू असेंबली के लिए देने के लिए प्लाव वगैरह, ये सारी चीजें, इफ यू वांट टू डू पीजी इन जर्मनी एंड सो ऑन। और गाइस मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ कि ये पूरा प्रोसेस जो है ना, ये ट्रस्ट का है, और जो लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते वो प्लीज मुझे या मेरी टीम को अप्रोच ना करें, बिकॉज मैं यहाँ आपको बैठ के ट्रस्ट जलाने पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। और गाइस मैं जब आपका एडमिशन एनएसएमयू में करा रही हूँ या फिर कोई डिफरेंट यूनिवर्सिटी में करा रही हूँ, तो मेरा मेन फोकस ये है कि मैं कैसे आपका एडमिशन कम से कम कॉस्ट में कराऊं। और जो मेन चीज है वो ये है कि मैं क्वालिटी स्टूडेंट्स चाहती हूँ, ठीक है, जिनको मैं लाइफ टाइम गाइड कर सकूं और एक हेल्दी कम्युनिटी बना सकूं। तो अगर आप में ईगो है, या फिर आप अपने आप को तोप समझते हो, या फिर आप बहुत शकी हो, तो बेटर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू ही एडमिशन ले लो, क्योंकि वो लोग ही आपको अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, वो लोग आपका
एडमिशन कराएंगे, फिर उसके बाद गायब हो जाएंगे। बट मैं आपका पीजी तक साथ देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा चाहिए कि सारे स्टूडेंट्स के पास भरपूर इन्फॉर्मेशन, भरपूर नॉलेज हो, ठीक है, और आप एक अच्छे डॉक्टर बन सको। तो इसलिए मैं पैसे कमाने के चक्कर में सबको हेल्प नहीं करूंगी एडमिशन लेने में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू फाइंड इट हेल्पफुल। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिलो टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल। सो सी यू, बाय बाय।